Welcome to my channel Chemistry with DNA. I am Noman Ahmed, and today we are going to discuss the last topic of thermodynamics, that is Gibbs free energy. So the name of the topic is Gibbs free energy. Gibbs free energy. This is the last topic of thermodynamics, and we'll be discussing it in detail. But before that, let me discuss it. What does it tell us? ये हमें बताता क्या है? It does tell us the spontaneity of our reaction. Spontaneity. कि कौन सा reaction spontaneous है या नहीं है? हमें ये बताता है कि whether the reaction is spontaneous or not spontaneous. तो Gibbs free energy हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है कि रिएक्शन 100% है या नहीं, या आप ये कह सकते हैं कि विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हमें ये बताता है गिब्स फ्री एनर्जी बताता है. अगर आपको तो से रिकैप किया जाए तो हमने दो चीजें पढ़ी थी. नंबर वन इंथैल्पी पढ़ाते हैं. इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी हमें क्या चीज बताता है? इंथैल्पी हमें ये बताता है, जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया था, और हम इंथैल्पी को मालूम नहीं कर सकते. वी विल ऑलवेज यूज चेंज इन इंथैल्पी. तो चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच. अगर ये नेगेटिव होता है, अगर ये नेगेटिव हो, अगर तो चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव हो, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? ये आपके पास क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि डेल्टा एच जिसमें नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सोथर्मिक है. ठीक है, जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि एक रिएक्शन है, इसका है एक रिएक्टेंट है ए आर, और इससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, और कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है. फर्ज करो इसकी एनर्जी 100 जूल थी, इसकी 80 जूल थी, और ये 20 जूल. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो -20 जूल एनर्जी जो होगी ये हमारे पास आ गई. इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है. यानी हमें डेल्टा एच की वैल्यू ये बताता है कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होता है. एंथैल्पी ने हमें बताया था. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है. ड्रॉबैक क्या ड्रॉबैक है इसका? एक ड्रॉबैक ये है कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और उसमें हीट एब्जर्ब होती है. जैसे आप देखें हीट, अब जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस इसमें हीट एब्जर्ब होती है, अगर हीट एब्जर्ब होती है तो जारी बात है डेल्टा एच इसका क्या होगा, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होगा. डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक के लिए रिएक्शन भी होता है ना, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं. कैसे? जैसे आइस है, आइस से वाटर बन रहा है, सॉलिड है, लिक्विड है. अब यहाँ इसकी जो ये एनर्जी क्या करता है, एब्जर्ब करता है तो लिक्विड में कन्वर्ट करता है. इसलिए ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है. तो इसका ये ड्रॉबैक है कि ये हमें ये नहीं बताता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या क्या. ये भी स्पॉन्टेनियस है यानी ये रिएक्शन भी आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी तो भी क्या नाम है वो स्पॉन्टेनियस होता है. तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव एंथैल्पी हमें 100% नहीं बताता. 100%
नॉट 100% करेक्ट। ये बात बहुत समझने वाली कि यहां पे एंथैल्पी हमें 100% नहीं बताता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फिर हमने एक दूसरी चीज डिस्कस की, क्या इसी को समझने के लिए फिर हमने एंथैल्पी की जगह के कोर टर्म लिया था एंट्रोपी। हमने ये कहा कि एंट्रोपी को भी हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट एस से करते हैं, और एंट्रोपी को भी हम चेंज इन एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस। अब चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? हमने बताया था कि बेसिकली एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस को कहते हैं या भी ये कह सकते हैं कि रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड यानी बेतरतीब हो जाना, और यानी ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज हो जाने को एंट्रोपी कहते हैं। तो डेल्टा एच जिसका जितना ज्यादा होगा, डेल्टा एस जिसका जितना ज्यादा होगा उसका रैंडमनेस इंक्रीज होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगा। या आप ये समझ ले हैं कि डेल्टा एस जिसका पॉजिटिव होगा उसकी रैंडमनेस इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगा। डेल्टा एस जिसका ज्यादा होगा रैंडमनेस उसकी इंक्रीज होगा, और जिसका रैंडमनेस इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके पास क्या आ रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। वो आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस। ये होगा तो इसका मतलब सिंपल क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो एंट्रोपी हमें ये नहीं बताता कि कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब सिंपल अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा, अगर हम ये कह सकते हैं डेल्टा एस आपके पास क्या है, नेगेटिव होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका रैंडमनेस क्या है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, रैंडमली डिक्रीज है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन ये हमें 100% नहीं बताता, इट इज आल्सो नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास जो बेसिक आएगा जिसके पास 100% सॉल्यूशन होगा, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। ये है 100% करेक्ट है जो हमें ये बताता है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है वो होता है गिव्स फ्री एनर्जी का, मतलब क्या, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब हमें पता है कि हम जी नहीं मालूम करते, तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी मालूम करेंगे, हम इसको डेल्टा जी लिखेंगे। इसी तरह ये एंथैल्पी को का रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी को हम नहीं मालूम कर सकते, हम चेंज इन एंथैल्पी मालूम करेंगे। इसी तरह टी टेम्परेचर इन केल्विन है, हम टेम्परेचर केल्विन में, और ये जो एस है ये अभी हमने डिस्कस किया, ये एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर, और हम ये कह सकते बल्कि हम क्योंकि हम चेंज मालूम करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर और गिव्स फ्री एनर्जी, ये यानी हमने इसको क्या किया, इस इक्वेशन को हमने ये कह दिया कि डेल्टा टी और एस, ये आपके पास टेम्परेचर केल्विन है और एस एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब जारी बात है प्रेशर तो है नहीं, तो टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो ये बनेगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
जो चीज कांस्टेंट होती है उसको बाहर ले आते हैं। तो इसमें से टी कांस्टेंट है तो हमने पहले डेल्टा एस के साथ लग गया, तो ये इसकी 100% करेक्ट फॉर्मूला है जो हमें ये बताएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जी की बेसिकली जी जो है ना सिर्फ सिंपल उसकी नो सिग्निफिकेंस है, नो सिग्निफिकेंस है। जो इम्पोर्टेंस है वो डेल्टा जी की है, आप ये समझिए कि जो इम्पोर्टेंस है वो डेल्टा जी की है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस इम्पोर्टेंट नहीं, हम नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ली है। इसको गिब्स हेमहोल्ट्ज फंक्शन भी कहते हैं, इस इक्वेशन को हम गिब्स हेमहोल्ट्ज फंक्शन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखें, गिब्स हेमहोल्ट्ज फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया, अब इसको थोड़ा सा और मजीद पढ़ लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, क्या क्या करता है, फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया, फार्मूला इसका ये 100% हमें बताता है कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है जी। तो साथ साथ हमने कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, ये हमने कहा है कि जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होती है, ये इसका जनरल फार्मूला है। हमने कहा कि नहीं, हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मालूम करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी में हम क्या मालूम करेंगे, चेंज। तो चेंज का फार्मूला मैंने आपको बता दिया क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और प्रेशर प्रेशर नहीं है तो टेम्परेचर को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमने समझना है, हमने पढ़ना है, याद रखना है, वो क्या है कि डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव अगर होगी, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी अगर हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डेल्टा जी का मतलब क्या है कि नेगेटिव ऑफ अ यूजफुल वर्क ऑफ अ सिस्टम, नेगेटिव ऑफ अ यूजफुल वर्क ऑफ अ सिस्टम क्या मतलब इसका, इसका मतलब बहुत समझ ले। देखें कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो यूजफुल वर्क का होगा, वो यूजफुल वर्क होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो यूजफुल वर्क का उसका नहीं होगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी -100 किलो जोल है तो इसका यूजफुल वर्क कितना होगा, इसका यूजफुल वर्क, अब देखो जैसे माइनस है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो यूजफुल वर्क होगा वो +100 के जी होगा ना, इसका जो वर्क होगा यूजफुल वो कितना होगा, +100 किलो जोल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें इतना काम करने की सलाहियत है, ये सिस्टम 100 किलो जोल का काम कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसके पास अब एनर्जी है, ये 100% वर्क 100 किलो जोल का वर्क कर सकता है। तो अब ये इस तरह का रिएक्शन जिससे जो होगा, अब इससे एक और बात, इन दो बातों से एक चीज हो समझे कि ये 100 किलो जोल का काम कर सकता है, काम कर सकता है, इसमें एबिलिटी है, क्योंकि नेगेटिव मतलब इसमें 100% यूजफुल वर्क है, और जब इस तरह होगा वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा और प्रोसेस हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, और अगर डेल्टा जी किसी का नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे डेल्टा जी है और इसकी वैल्यू हमारे पास फर्स्ट करो +50 किलो जोल है, तो इसका जो यूजफुल वर्क होगा वो -50 किलो जोल होगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि ये सिस्टम बनने के लिए 50 किलो जोल मांग रहा है,
यानी ये डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम 50 किलो जोल एनर्जी मांग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दे सकता है यानी ये काम कर सकता है, ये मांग रहा है तो इसमें एबिलिटी है, तो ये स्पॉन्टेनियस खुद बहुत हो सकता है, तो ये स्पॉन्टेनियस है, और ये मांग रहा है मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस केस में जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस के बजाय क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इस केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दो चीजों का आपने फर्क याद रखना है। अभी हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये बातें ठीक है या गलत है। तो आइए एक टेबल्स के साथ इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस टेबल में हमें ये देखना है, एक साइड पर हम एंथैल्पी की वैल्यू रखेंगे, एंथैल्पी की वैल्यू है हमारे पास डेल्टा एच, एंट्रोपी की वैल्यू हमारे पास है डेल्टा एस, और जिस फ्री की एनर्जी की वैल्यू है डेल्टा जी एल। ठीक है, हमने तीन वैल्यू ले ली। ए साइड पे एंथैल्पी, इसको मैं एंथैल्पी कहूंगा ताकि आपको याद रहे, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी, दिस इज एंट्रोपी, इसको हमने डेल्टा एस, और ये हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी। सो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज इन एंथैल्पी है, ये चेंज इन एंट्रोपी है, और ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि याद रहे कि ये हम, ठीक है, चले। अब डेल्टा एच हमारे पास फेवरेबल, हमने ये डिस्कस करना है कि फेवरेबल कब होता है और नॉन फेवरेबल रिएक्शंस कब होते हैं। फर्स्ट करो, डेल्टा एच फेवरेबल होता है, फेवरेबल है, तो फेवरेबल में डेल्टा एच कब फेवरेबल होता है, इसी तरह ये भी हम ये देखेंगे ये कब फेवरेबल होता है। तो एक चीज बहुत जरूरी है जो आपने याद रखी, जब भी डेल्टा एच नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये फेवरेबल कंडीशन है। अगर नेगेटिव होगा तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें से हीट लूज करेगी। एंट्रोपी के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, पॉजिटिव, जब डेल्टा एस आपके पास क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास, अब देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है जिसका मतलब है कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसी फार्मूले को अगर इसी फार्मूले को पुट कर लें तो डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें पता था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें कैसे पता लगे ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जरा गौर से देखें, डेल्टा एच यहां पे नेगेटिव है तो इस वैल्यू में हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ठीक है तो लेना देना ही नहीं है ये ले, ठीक है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर लेते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू। ठीक है, तो आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है, साइन तो नेगेटिव का आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि ये रिएक्शन अब हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या करें,
नॉन फेवरेबल कंडीशन ले लें, नॉन फेवरेबल। अब ये फेवरेबल थी, नॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल, तो यहां पे भी नॉन फेवरेबल। अब देखिए ये नॉन फेवरेबल है, ये भी नॉन फेवरेबल, तो नॉन फेवरेबल नॉन फेवरेबल में आप गौर से देखिए, फेवरेबल में अगर नेगेटिव है तो नॉन फेवरेबल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव जब भी होगा वो एंडोथर्मिक होगा, वो एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब देखो फेवरेबल में अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन नॉन फेवरेबल में डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी और ये डिक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव है और ये एंट्रोपी इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये नॉन फेवरेबल इसकी कंडीशन है। अब यही वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो जो यहां है उसका अपोजिट आएगा, कैसे, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमने डेल्टा एच की जगह पे क्या पॉजिटिव वैल्यू लगानी है, तो यहां पे पॉजिटिव माइनस और डेल्टा एस की जगह पे नेगेटिव लगानी है, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। और पॉजिटिव की वैल्यू जब भी आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू आएगी तो ये हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। यहां तक आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर हमने इसी रिएक्शन को फर्दर हम लेके जाए, अब देखिए हमने क्या किया, पहले फेवरेबल फेवरेबल किया, फिर नॉन फेवरेबल कर दिया। अब हम एक फेवरेबल और नॉन फेवरेबल करेंगे और एक फेवरेबल और नॉन फेवरेबल करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू कौन सी आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसी को थोड़ा सा इरेज करके हम मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, एक फेवरेबल, यानी जब एंथैल्पी आपके पास फेवरेबल होगा तो डेल्टा एस नॉन फेवरेबल हो जाए, ठीक। जैसे अब देखिए हमारे पास फेवरेबल में डेल्टा एच क्या आ जाएगी, जारी बात इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हम कह सकते हैं कि ये फेवरेबल है, और यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाए तो ये नॉन फेवरेबल है। डेल्टा एस की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन फेवरेबल है, ठीक है। यही वैल्यू अब हम यहां पे देखेंगे कि ये फेवरेबल, यहां पे हमने मजीद दो लिखी है, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस, फार्मूला में पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलिए सबसे पहले स्पॉन्टेनियस में हमने रिएक्शन लिखना है। अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर इसमें से कम है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू कम है जीरो से तो जाहिर बात स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब डेल्टा जी की वैल्यू का मतलब कमाल क्या है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस की वैल्यू भी इससे भी कम होगी, इससे भी तो कम होगी, तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू से भी कम होगी। तो अगर ये इसको मैं वहां ले जाऊं तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एच ऐसे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टी इसको ले जाएं तो डेल्टा एच की वैल्यू डिवाइडेड बाई टी, सॉरी डेल्टा एस, अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा डेल्टा एस। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच और डेल्टा एस। तो इस तरह की रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि डेल्टा जी जो है ना ग्रेटर देन जीरो होगी, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी जीरो से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको उधर लेके जाए तो हम कह सकते हैं कि टी डेल्टा एस
जो है ना वो लेस देन डेल्टा एच से हो जाएगी, या आप ये समझ ले कि टी लेस देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ये स्पॉन्टेनियस के लिए है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए है, ठीक है। यहां तक तो हमें ये समझ आ गई। लेकिन अगर ये हमारे पास क्या नॉन फेवरेबल और फेवरेबल हो जाए, फर्स्ट करो अगर हम ये नॉन फेवरेबल कर दें, नॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल और फेवरेबल का आपस में देखते हैं, फेवरेबल नॉन फेवरेबल और नॉन फेवरेबल फेवरेबल, तो अब हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ये देखो इसकी वैल्यू डेल्टा एच की पॉजिटिव है और यहां पे भी डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर हम देखें गौर से, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, थोड़ा सा अब देखो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को अगर हम डेल्टा इस वैल्यू पर करें डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव, तो ये डिपेंड करेगा इस, ठीक है जी। और अगर कहीं पे हम ये कहते हैं कि टी की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस आए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन ना ही स्पॉन्टेनियस है ना ही, यानी वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस बता, तो ये क्या है? रिवर्सिबल है, या आप ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम है अगर टी की वैल्यू क्या है, और इसमें जी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी की जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। यहां तक तो आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल से हमें इसको समझना है, एक न्यूमेरिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आपके कंसेप्ट को बेहतर तौर पे आपके जहन में जहनशीन कर सकेगा। तो चाहिए उस कंसेप्ट पे बात करते हैं, न्यूमेरिकल हमारे पास है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। एक न्यूमेरिकल है जिसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ कि ए प्लस, एक रिएक्शन है जो ए प्लस, यानी एक रिएक्शन है ए और ये प्रोडक्ट बनाता है टू बी प्लस सी बनाता है, ठीक है, इससे दो चीज़ें बनती हैं। अब वो कहता है कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है, डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू भी गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू इसने गिवन है 30 किलो जोल पर मोल पर केल्विन, 30 किलो जोल पर मोल पर केल्विन, और डेल्टा एस की वैल्यू भी गिवन है 60 जोल पर मोल पर केल्विन, किलो जोल पर मोल पर केल्विन, ये दो वैल्यू गिवन है। अब वो कहते हैं फाइंड द टेम्परेचर अबाउट विच दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कहते हैं फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर अबाउट विच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी हमने आगे ये देखना है कि इस रिएक्शन से आगे फाइंड द टेम्परेचर अबाउट विच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो अब इस वैल्यू की अगर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास कम भी आ रही है, देखिए जरा अगर इस फार्मूले में पुट करें, इस फार्मूले में पुट कैसे करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा ई डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस फार्मूले में अगर हम डेल्टा जी इज स्मॉलर देन जीरो लिखें, हम अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू ये है स्पॉन्टेनियस बना रहे ना, तो डेल्टा जी की वैल्यू है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये अभी हमने पिछले डिस्कस किया, ठीक है।
तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है तो इसको किलो जूल से जूल में कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा एस की 30 है, किलो से जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जूल में, सॉरी किलो जूल, तो ये 30 इंटू 10^3 माइनस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास है 60, ठीक है, जो कि हमने मालूम करनी है। ये हमारे पास कितनी है, 60 है, और ये हमने इक्वल टू 0 रखना है। अब इनको अब कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है टी इज ग्रेटर देन 500, जो कि केल्विन में आ रहा है, यानी इस टेम्परेचर से अबाव, इस टेम्परेचर से अबाव जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, फाइंड द टेम्परेचर अबाउट विच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, जब आपको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए फार्मूला यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, फिर आप कौन सा, अगर उससे पूछा नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर पूछता है नॉन स्पॉन्टेनियस अगर आपसे पूछता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन 0, फिर ये वैल्यू अपोजिट चली जाएगी, यानी इस टेम्परेचर पर अबाउ 500 केल्विन पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एक और रिएक्शन इसी से रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, उसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, आपको गिब्स एनर्जी के बारे में आइडिया भी हो जाएगा इसका। फर्स्ट करो एक रिएक्शन है, एक स्पॉन्टेनियस है, फर्स्ट करो एक रिएक्शन है ए से बी जा रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन है ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो अब ए से बी जा रहा है तो इसकी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये खुद बहुत हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर बात है अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू, मैंने क्या बताया था स्पॉन्टेनियस के डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये फर्स्ट करो डेल्टा जी की वैल्यू -100 किलो जूल है, इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, -100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक और रिएक्शन इसी तरह ले लेते हैं जो सी से डी जा रहा है, एक सी से रिएक्शन डी जा रहा है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, मैं कहता हूं 180 किलो जूल पर मोल है, 80 किलो जूल, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अब हमें कैसे पता चलेगा, इस पर हम इसको दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ए प्लस सी ऐड कर दिया, बी प्लस डी, तो यहां पे देखें -100 + 80 गोज टू फॉर्म -20 किलो जूल पर मोल। अगर वैल्यू मैंने क्या बताया था, मैंने माइनस आया तो ये स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। बस ये याद रखना कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव आ रही हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो कपलिंग में क्या होता है, अगर एक ये रिएक्शन फर्स्ट को स्पॉन्टेनियस है, यानी खुद बहुत हो रहा है, बाय इट्स ऑन हो रहा है, तो इट मीन्स स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट हैपनिंग बाय इट्स ऑन, तो इट मीन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी के लिए नेगेटिव है तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसी तरह एक और है जिसको रिडक्शन ऑफ मेटल भी कहते हैं, उसकी भी एग्जांपल समझ लेते हैं। मेटल एक और रिएक्शन हमारे पास सेम ऐसा ही है, जिसको हम कहेंगे कपलिंग में ही कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन में हम एक और रिएक्शन रिडक्शन ऑफ मेटल्स की करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं, इसमें हम मेटलर्जी को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करो एक रिएक्शन है MxOy, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो नई बात है इस रिड्यूस होके ये x टू द टाइम m और y O2 में, यानी ये O2 में आएगा तो y बाय O2 में, ठीक है। इसी तरह अब अगर एक और रिएक्शन है कार्बन और ऑक्सीजन, और रिएक्शन हो रहा है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में हमें एक चीज बहुत देखनी है कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी इसकी डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास प्लस एम है,
और इसमें डेल्टा जी के वैल्यू हमारे पास माइनस एन है। तो अब अगर इस कपलिंग करेंगे, देखें हमने ये अपोजिट करना है, तो इसको पूरी इक्वेशन को y बाई टू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि y हमने क्रॉस करना है, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो बाकी रिएक्शन आ जाएगा एम एक्स ओ वाई प्लस वाई बाई टू सी गोज टू फॉर्म एक्स एम प्लस y by 2 CO2। तो ये कैसे आएगा, डेल्टा g की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी प्लस m माइनस n मल्टीप्लाई बाय y by 2। तो हमें ये देखो मेटलर्जी में क्या होता है, मेटल रिड्यूस हो गया, रिड्यूस का मतलब क्या, ये देखो ये मेटल ऑक्साइड से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। तो गिव फ्री एनर्जी के लिए आज तक के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने आपको बता दिए। अगर अगेन देर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।